माई YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अगर ये ब्लॉग मेरा शाम को जा रहा है तो गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो बस अभी मैं तैयार हो रही हूँ, मेरा मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो चुका है, तो नहावा ली हूँ। मॉर्निंग का रूटीन, माई डेली रूटीन। तो यहाँ पर नहा कर आ चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लेती हूँ, जो मॉर्निंग में हो जाता है फिर सीधे रात में ही होता है, मतलब नाइट में ही होता है। मॉर्निंग के बाद नाइट में ही रूटीन आता है, उसके बीच में कोई भी स्किन केयर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने अपने चेहरे पे टोनर लगाया। टोनर मैं डेली अप्लाई करती हूँ, इससे कि हमारे जो ओपन पोर्स है ना वो खुलते नहीं है, वो टाइट रहते हैं। और फिर इसके बाद में यहाँ पर मैंने एक मामा अर्थ की लगाई है, ब्लेमिश क्रीम है जो कि काफ़ी अच्छी है, जो पिंपल्स के निशान अभी चेहरे पे हैं उनको हटाने के लिए। फिर इसके बाद में मैंने सनस्क्रीन अप्लाई करी है। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ मंदिर में, बाहर की पूजा हो गई है मेरी सारी। अब यहाँ पर भगवान जी के स्नान करा दिया है, फ़ोटो वगैरह पोस्ट रही हूँ इनके। फिर इसके बाद में सीधा पूजा करने के बाद में ना, बच्चे लेट जाते हैं 10 बजे तक स्कूल, तो आराम से मेरी पूजा हो जाती है। फिर इसके बाद में नायशा को लेकर आ गई हूँ नहलाने के लिए, तो नहला दिया है उनका। आज मैंने उनका ना हेयर वॉश भी किया है। तो बेटा मेरा नीचे तैयार हो चुका है, वो आराम से बैठा है, वो जल्दी उठ के जल्दी तैयार हो जाता है और वो नहा भी खुद से ही लेता है। बस संडे वाले दिन मैं अच्छे से नहलाती हूँ उसको। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं नहलाती हूँ, नहला देती हूँ जब मुझे लगता है कि वो अच्छे तरीके से नहीं नहा पा रहा है, क्योंकि बच्चे ना अपने तरीके से जल्दी जल्दी पानी डाल के नहा लेते हैं। फिर इसके बाद में मैं आ गई हूँ नीचे। नायशा की बेल्ट नहीं लगी थी तो वो भी मैंने लगा दी है। बस अब इन लोगों के लिए सेक रही हूँ पराठा। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं देख सकते हैं अभी टाइम कितना हो रहा है, और बस 10 बज चुके हैं। यहाँ पर जब तब तक आ गई आंटी, मैंने सोचा अपने लिए भी पराठे बना लूँ, मम्मी जी के लिए, पापा जी के लिए भी। वैसे सुबह दीदी पोहा ले गई थी तो पापा जी ने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया है, पर अभी पराठा दूंगी उनको वापस से। तो मैंने कहा आंटी आ गई हैं तो आगे के सोफ़े वगैरह सब झटक देती हूँ, जितना चादर वगैरह नीचे झटकनी है वो सब साफ़ कर देती हूँ और सोफ़े भी झटक के सेट कर देती हूँ, उसके बाद ही नाश्ता करूँगी। और अभी मुझे नाश्ता करने, मैं आपको बताऊँ करेक्ट टाइम, मुझे 11 बज जाए, पूरा 1 घंटा लगेगा। आंटी के साथ में भी लगना होता है, ऐसा नहीं कि अगर आपने हाउस हेल्पर रख रखी है और आती हैं आपके घर काम करने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए, तो आपको भी साथ में लगना ही होता है, डस्टिंग वगैरह करनी ही होती है। तो फ्रेंड्स अभी सब लोग जा चुके हैं, पापा जी को भी नाश्ता करा दिया, मम्मी जी बची हैं बस, और यहाँ मैं अपना नाश्ता लेकर आई हूँ। सब्जी वाली आंटी को भी अभी आना था, तो यहाँ मैं अपना नाश्ता लेकर आई हूँ। चाय और 2 पराठे हैं मेरे। अब टाइम देख सकते हैं अभी आप कितना हो रहा है, देखो 11 बज रहे हैं, करेक्ट 11 बज गए। इतने टाइम ही डेली मेरा नाश्ता हो पाता है। फिर दोपहर में आप लोग कहते हो खाना बड़ा कम खाती हूँ, तो थोड़े से बस चावल खाती हूँ मैं दोपहर में, अगर दाल चावल बनते हैं तो। चलो हो गया, तो बस दोपहर में थोड़े से दाल चावल ही खाती हूँ। चलो मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ ना, आंटी यहीं खड़ी है सब्जी वाली। मेरा नाश्ता वास्ता सब कुछ हो चुका है,
अब आई हूँ वापस से किचन में। किचन में आए हुए काफ़ी देर हो गई, अभी नहीं आई हूँ। पूरा आधा घंटा मैंने पूरा किचन क्लीन करा, सारे बर्तन लगा के स्टैंड बाहर रखा, घी गर्म होने के लिए रखा। देख सकते घी बन रहा है यहाँ पर, मलाई निकाली थी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं रिकॉर्ड कर पाते, काम तो मेरे इतने ज़्यादा हैं कि मैं क्या बताऊँ। वीडियो में तो बहुत कम ही ले पाती हूँ, एक तरीके से अगर कहा जाए तो बहुत कम ले पाती हूँ, वरना छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। बर्तन बाहर स्टैंड बाहर रखा, घी गर्म होने, पूरा गैस साफ किया, अब बनाऊँगी खाना। खाने में पतिदेव जी ने तो मना कर दिया है कि वो अब कुछ भी नहीं खाएंगे, और मेरा भी हो ही चुका है, पर पापा जी खाएंगे तो उनके लिए मैं सोच रही हूँ चना। कल मम्मी जी ने हरा चना है वो छील के रखा था, उसी की सब्जी बनाऊंगी मैं, जिसको यहाँ पर छोड़ कहते हैं, छोड़ की सब्जी, तो बस वो ही बनाने जा रही हूँ, तो फटाफट से बना लेते हैं। हाँ, एक चीज़ तो रही गई, मेरे पास कमेंट आया था कि आपने स्ट्रेटनिंग कराई थी। स्ट्रेटनिंग नहीं कराई थी मैंने, सिर्फ ना केराटिन कराई थी। केराटिन पता नहीं क्यों करवाने के लिए बैठ गई, मुझे खुद नहीं पता, नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि मेरे बाल तो पहले से ही सिल्की थे। ये बालों को ना स्मूथ करता है, जिनके बहुत ज़्यादा घने और वैसे बाल होते हैं ठीक, जो सुलझते नहीं, उनके लिए केराटिन होता है। पर पता नहीं क्या हो गया था मुझे कि लाओ मैं भी केराटिन करा लेती हूँ, बस हेयर कट ले लेना था। आप लोग भी मत कराना केराटिन वगैरह, अपने सिंपल जो भी है वैसे ही रखो, भले कलर करा लो। हाँ, अगर आपको हाईलाइट डलवानी है बालों में तो वो डलवा लो, और हेयर कट ले लो, हेयर स्पा ले लो, पर ये जो केमिकल आते हैं ना केराटिन स्मूथनिंग, ये बिल्कुल भी मत कराना। अच्छा हुआ भगवान अच्छी बुद्धि दे दी थी उस टाइम की, स्मूथनिंग नहीं कराई, नहीं तो बालों का और नाश हो जाता मेरे। तो इसलिए कमेंट में आप लोग पूछ रहे थे ना कि दी आपकी स्ट्रेटनिंग ज़्यादा दिन रही नहीं। और एक चीज़ ये भी है कि वो केयर करना पड़ती है, अब जैसे लड़कियाँ लोग हैं तो वो केयर कर लेंगे, अब हम एक हाउस वाइफ है, हमसे इतना नहीं हो पाता केयर, मतलब वो ही है कि उनके शैम्पू लगाओ, तेल नहीं लगाना है बिल्कुल, तो मैंने तेल भी लगा लिया, और तेल के बिना तो मैं रह ही नहीं पाऊँगी, तो बस स्कल्प में यहाँ यहाँ लगा लेती हूँ तेल, पर लेंथ में नहीं लगाती हूँ, पर बिना तेल के तो नहीं मुझे चलता है बिल्कुल भी, क्योंकि सिर भारी होता है तो तेल लगाने के बाद ही जी हल्का होता है। तो बस यही है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है लड़कियों के लिए बस है, हम हाउस वाइफ के लिए भी, पर बहुत केयर करनी पड़ती है इन सब चीज़ों की, तो वो इतनी केयर हो नहीं पाती है। और हम ठहरे देसी आदमी, तो बस यही है कि देसी जुगाड़ कर करके अपने काम। वैसे ही मेरे बाल सिल्की हैं बहुत ज़्यादा, अगर मैं दो दिन भी अभी भी देखो कॉम नहीं किया है तो भी ठीक ठाक है, ऐसे उलझे हुए नहीं लगेंगे। तो चलो अपने काम में लगते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। यहाँ पर मैं पहले चने हैं उनको धो के एक तरफ रख लिया है मैंने, और पहले प्याज वगैरह इसमें चॉप कर लेती हूँ, बड़ा बारीक बारीक सा महीन सा चॉप हो जाता है इसमें चॉपर में। और मैं आपको बताऊँ, ये मेरे पतिदेव जी लेकर आए थे, नॉर्मली शॉप से लेकर आए थे, ये हमने ऑनलाइन नहीं मंगाया था, बस अब इसी में ही मैं ये टमाटर हैं वो भी मैं इसमें ही चॉप कर लूँगी। और आपको मैं बताऊँ कि मम्मी जी जो हैं ये हरे छोड़ की जो सब्जी है सिर्फ हींग और हरी मिर्च से छौंक लगाती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो भी बिल्कुल महीन सिलवट्टे पे पीस लेती हैं इसको चने के लिए, तो वो वाली सब्जी बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ ये हरे छोड़ की सब्जी। प्याज बारीक कट कर लिया है, टमाटर हरी मिर्च भी। अब जो ये चने हैं ना, आधे चने को मैं पीस लूँगी और आधे चने खड़े ही रखूँगी, मतलब तो सब्जी थोड़ा सा और अच्छी बनती है। अगर पूरा पीस लो ना तो बिल्कुल भी वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर अभी मैं ना कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे जल्दी है खाने की, पापा जी आ चुके हैं नहाने के लिए गए हैं, तो उसी हिसाब से मेरा काम चलता है जल्दी जल्दी थोड़ा, क्योंकि वो नहा कर आए तब तक खाना बन जाए, क्योंकि कुकर में ना जल्दी बन जाती है सब्जी वगैरह। और एक तरफ यहाँ पर घी भी हो रहा है, और मम्मी जी बाहर से फल लाई हैं खरीद कर, जो कि शाम को भजन होंगे मंदिर पे, हर सोमवार को यहाँ भजन होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने राई, ज़ीरा, थोड़ी सी हींग डाल दी है, प्याज डाल दिया है, अब टमाटर और हरी मिर्च इसमें डाल दूँगी अच्छे से। जब ये थोड़ा सा मसाला हो जाएगा फिर उसके बाद में ग्रेवी हो जाएगी, उसके बाद में ही मैं इसमें मसाला डालूँगी। हल्दी डाल दूँगी थोड़ी सी, लाल मिर्च डाल दूँगी। आजकल मम्मी जी बिल्कुल भी लाल मिर्च मतलब नहीं खा पा रही हैं,
तो मिर्च मैं सब्जियों में क्या करती हूँ, थोड़ा सा कम ही डालती हूँ। फिर क्या मतलब खाना बनाओ और फिर वो खाना भी अच्छे मन से नहीं खा पाएं। पापा जी तो खा लेते हैं पर मम्मी जी नहीं खा पाती, तो इसलिए मिर्च सब्जियों में थोड़ा कम ही रखती हूँ। इसके बाद फिर मैंने इसमें आलू डाल दिए, पिसा हुआ चना है वो डाल दिया, अब खड़े जो चने रखे थे वो भी इसमें ऐड कर दूंगी और डालूंगी 1 से 1.5 गिलास पानी। फिर इसके बाद में 2 से 3 सीटियाँ आने देंगे तो लो हमारी हरे चने की जो सब्जी है वो बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर अभी मैंने जस्ट कुकर उतारा तो अभी वो ठंडा नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं पहले रोटियाँ बना लेती हूँ। देख सकते हैं रोटियाँ कितनी कम आटा लगाया, क्योंकि हमें मम्मी जी पापा जी सॉरी पतिदेव जी किसी को खाना नहीं है, बस पापा जी के लिए गिनती की 2-4 रोटियाँ बनाना है। और एक तरफ घी भी देखती जा रही हूँ, तो बस फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। इसके बाद ही मैं चावल रखूँगी एक तरफ बनने के लिए। खा के ऊपर आई थी, वापस जा रही हूँ नीचे अपना सामान लेने, पापा जी लाए हैं दुकान से। और पका लो, कम पका है तो इतना हो गया, वो ठंडा हो गया ना रखे रखे, गरम गरम हो गया। हाँ आज का ब्लॉग है वो अपना एंड करती हूँ। अपना जो भी सामान था मैं लेकर आ गई ऊपर, मेरा कुछ भी सामान नहीं रहता। हाँ शैम्पू भी नहीं रहता, शैम्पू नहीं था, और वो भी नहीं था न, बच्चों का भी शैम्पू नहीं था। तो चलो मुझे मेरा पूजा का सामान मिल गया, बस वो ही बहुत है। मैंने पूजा के सामान धूपबत्ती मंगाई, कपूर मंगाया, 1/2 किलो घी मंगाया गाय का, और तेल मंगाया तिल का। तो पापा जी कह रहे हैं कितना महीने में पी जाती हो तेल, मैंने कहा पापा जी 1 किलो तेल तो लगता ही है पूजा में, और तिल का तेल थोड़ा सा महंगा भी आता है। वैसे मैं बोलती हूँ मैं खुद से अलग से मंगा लेती हूँ पूजा सामान, पर इस बार मैंने कहा चलो लिखा देती हूँ इसमें। तो चलो आज का ब्लॉग अपना यहीं पर एंड करती हूँ, कल के ब्लॉग मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।